व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताने वाले इंस्टाग्राम के एडिटिंग जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में चली है और इसको क्रिएट करना भी काफी सिंपल है so, इस टाइप की वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली तीन स्क्रीनशॉट की व्हाट्सअप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ओके okay? एंड अगर आप अपने व्हाट्सएप के नंबर को शो नहीं करना चाहते तो आपको सिंपली उसे रब कर लेना अगर आपको रेस करने नहीं आता तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ सिंपली आपको इस फोटो को पिकसार में सेट करना उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना फिर आपको क्लोन का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना एंड फिर आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है वहाँ पर रब करना फिर आपको अपने नंबर के ऊपर रब करना आपका जो नंबर है वो इरेज हो जाएगा ओके सो सिंपली आप इसे यहां सेव कर लेना सो so आगे की जो एडिटिंग है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इफ आर इंटरेस्टेड इन रियल एडिटिंग फोटोशूट आइडिया एंड फोटो एडिटिंग द डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल सो विदाउट एनी फोर द डिले लेट्स सो so, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वीटा ऐप की तो आप इसको प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर लेना उसके बाद आपको इसको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है एंड फिर आपको वीडियोस वाले सेक्शन से इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ओके सो सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है और ड्यूरेशन मैं बता दूंगी ठीक है तो आपको सिंपली दोनों फिंगर ऐसे थोड़ा जूम कर लेना है ओके एंड जूम करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है फोर पॉइंट या फिर आप बोले जैसे व्हाट्सअप के बाद फेसबुक आ रहा है वहाँ पर आपको व्हाइट लाइन रखना है ठीक है थोड़ा ध्यान से आप करना जस्ट आप देख सकते हो तो यहाँ पे व्हाट्सअप है उसके बाद फेसबुक आएगा ठीक है तो मैं जस्ट थोड़ा सा पीछे ओके एंड फिर इस लेयर पर क्लिक करके स्प्लिट कर देना है ठीक है फिर आपको थोड़ा और जूम कर लेना है एंड आपको आगे आना है एंड फेसबुक पे बाद जब इंस्टाग्राम आ रहा है वहाँ पर आपको स्प्लिट करना है ठीक है जैसे ये फेसबुक रहा एंड ये इंस्टाग्राम थोड़ा सा पीछे होंगी यहाँ पर मैं स्प्लिट कर दूँगी ठीक है सो बस यही दो कट लगाने हैं आपको ठीक है ये करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली बैक आ जाना है तो आ जाती हूँ मैं यहाँ से बैक सो so, इसके बाद हमारे जो फर्स्ट कर्ड थी वहाँ पे एक बॉक्स है वहाँ पे व्हाइट लाइन को रख के प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड फोटोज वाले सेक्शन में आके व्हाट्सएप वाली स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लेनी है ठीक है फिर आपको सेकंड कट पे आना जो बॉक्स है ठीक है वहाँ पे व्हाइट लाइन को रख के प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर आपको यहाँ से फेसबुक की स्क्रीनशॉट ले लेनी है ठीक है उसके बाद आपको एकदम लास्ट में आ जाना है एंड फिर से प्लस पे जाएंगे एंड यहाँ से इंस्टाग्राम की स्क्रीन आपको सेलेक्ट करनी है ठीक है सो so, इसके बाद नीचे आपको रेशियो का ऑप्शन दिख रहा है सिंपली उस पर क्लिक तो करके नाइन एस टू सिक्सटी का रेशियो सेलेक्ट करके ओके करना फिर हमें फर्स्ट स्क्रीनशॉट दैट इज़ व्हाट्सअप वाले पे आना है सेलेक्ट करना है एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है एनिमेशन पे क्लिक करेंगे हम फिर आपको डायनेमिक पे क्लिक करना है एंड यहाँ आपको आगे में आ जाना जहाँ पर आपको स्विंग टू का इफेक्ट मिलेगा आपको सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना है एंड उसकी ड्यूरेशन फुल होनी चाहिए ठीक है फिर आपको ओके कर देना है फिर हम आएंगे अपनी सेकेंड स्क्रीन इंस्टाग्राम वाली सॉरी फेसबुक वाली उस पर भी हम सेम इफेक्ट लगाएंगे स्विंग टू एंड फिर इंस्टाग्राम पे भी हम स्विंग टू लगा देंगे तो तीनों पे लगा देने के बाद आपको एकदम यहाँ से बैक आ जाना है एंड फिर आपको यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है सिंपली म्यूजिक के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे ठीक है करती हूँ मैं फिर वीडियो एंड फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट फ्रॉम एल्बम उस पर आपको क्लिक करना एंड उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेनी है जिसकी आपको ऑडियो चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये भी मिल जाएगी तो सेलेक्ट कर लेना सो so फर्स्ट वाली यह साउंड है उस पर क्लिक करेंगे एंड प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऐड कर लेंगे ठीक है अब हम अपनी फर्स्ट स्क्रीन शॉट पर व्हाट्सएप वाली एंड इसकी ड्यूरेशन आपको रख लेनी है जीरो पॉइंट सेवन सेकेंड ठीक है यहाँ पे ड्यूरेशन भी आपको दिखती है तो सिंपली आपको लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है ठीक है जीरो पॉइंट सेवन सेकेंड रख लिया हमने फिर नेक्स्ट स्क्रीन शॉट फेसबुक है उस पर आएंगे एंड इसकी ड्यूरेशन रखनी है जीरो पॉइंट सिक्स सेकेंड ठीक है तो इसको भी आप लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है ठीक है एंड लास्ट वाली जो है उसकी ड्यूरेशन होगी जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड या फिर जहाँ तक ऑडियो है वहाँ तक ठीक है तो सिंपली ऐसे ड्रैग कर लेना ठीक है इसके बाद जो वीडियो पूरी कंप्लीट है आपको सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेना है